दोस्तों ऐसे होता है बैंक अकाउंट खाली या फिर आपके पासवर्ड लीक या फिर आपके बहुत सारे मोबाइल में वायरस, मोबाइल पर्सनल डाटा लीक। तो ये सब होता है कैसे और इससे बचा कैसे जाता है, कैसे आप बच सकते हैं, वो आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ। गूगल की तीन इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊंगा आपको जो आपको अपने मोबाइल में अभी जाकर करनी है, वरना कभी ऐसा दिन आएगा जो ज़िंदगी में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, काश से पहले मैं सेटिंग कर लिया होता। दोस्तों यदि आप गूगल क्रोम में या गूगल में अगर आप ये सब उटपटांग वीडियो या फिर पर्सनल नेट बैंकिंग या फिर कुछ ऐसा वैसा उल्टा काम करते हैं तो ये सेटिंग आप तीन जरूर कर लेना। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये तीन सेटिंग जरूर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये सेटिंग है जो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कोई नहीं आपको ये बताएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने खास जो दिल के दो दिल से जो दोस्त हैं उनको ज़रूर शेयर कर देना ताकि वो भी अपने मोबाइल में इस सेटिंग को ऑन कर दें। तो दोस्तों अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टैंड अप इंडिया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन लाल कलर से लिखा हुआ, इसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यहाँ पर बगल में आई हुई नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा घंटी होगा, इसको जरूर दबाएं। इसको दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको, सूचना आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे और यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है, एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कमेंट क्या करना है आपको यहाँ पर मैं बता दूं, आपको कमेंट करना है नाइस ट्रिक करके आप भेज देना या फिर आई लव दिस वीडियो, लव दिस वीडियो कुछ भी आप यहाँ पर लिख कर आप कर देना। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा ऐप लिंक, आपको इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। चलिए दोस्तों अब वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पे मैं पासवर्ड कैसे लीक होता है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। सपोज मैं जिस मोबाइल में बता रहा हूँ ये मोबाइल आपका ही है और किसी ने आपका मोबाइल ले लिया मान लीजिए और उसमें वो आपका पासवर्ड लेना चाहता है, तो ये गूगल क्रोम खोल लेगा गूगल और यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेगा और यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएगा और यहाँ पर देखिए पासवर्ड का एक ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपने करा, यहाँ पर देखिए मैंने एक जीमेल और यहाँ पर देखिए फेसबुक। अगर मान ली यहाँ फेसबुक का पासवर्ड मुझे निकालना है तो बस मैं इसी पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों फेसबुक का यूजर नेम आ गया, पासवर्ड यहाँ पर दिख रहा हो, तो यहाँ पर देखिए एक आई का आइकन बना, जैसे ही मैं इस आई वाले आइकन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे पासवर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, मैं जैसे ही इस पे क्लिक किया यहाँ पे पैटर्न मांगा और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों पासवर्ड मेरा फेसबुक का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में इंटरनेट बैंकिंग, फेसबुक या कोई भी ऐसा पर्सनल अकाउंट यूज करते हैं तो आपका कोई भी मोबाइल लेकर इसको जो कि आपका पासवर्ड ले सकता है। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है इस सेव पासवर्ड वाले ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है तुरंत अभी के अभी। तो दोस्तों यदि इसी बात पर पहली सेटिंग अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताना कैसा लगा। उसके बाद पहली ये ट्रिक थी, अब दूसरी जो सेटिंग है आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाना, आपको साइट सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे देखिए कुकीज के एक ऑप्शन में आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी कुकीज यहाँ पे इसको ऑफ रखना है क्योंकि आपके थर्ड पार्टी कुकीज जो यहाँ पर कोई भी आप अगर एक्सपायरी डेट कोई भी वीडियो कुछ भी ऐसा वैसा गंदा काम उटपटांग कर रहे हैं तो उसके जो कुकीज यहाँ पर सेव ना हो क्योंकि वो बैकग्राउंड में चलेंगे और आपकी डाटा लीक हो सकती है कभी भी। तो दोस्तों ये थी दूसरी सेटिंग जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए तीसरी सेटिंग एड्स का ऑप्शन है, आपको इसको जो कि यहाँ पे ऑन कर देना है। इससे क्या होगा ब्लॉक एड्स करने से क्या होगा थर्ड पार्टी के जितने भी एप्लीकेशन के जो एड्स होंगे अगर उस पर आप कोई भी गंदा उटपटांग देख रहे हो तो उसी टाइप के एड्स दिखाएगा, तो इसको आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे नहीं दोस्तों ऑन नहीं करना, आपको इसको ऑफ कर देना, मैंने ऑफ करा है, ऑन रहेगा आपको ऑफ कर देना, एड्स को अलाउ नहीं करना है। तो दोस्तों ये तीन सेटिंग की, चलिए मैं आपको इसी बात पे एक सेटिंग और बता दूं। यहाँ प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आप जाना है, आपका यहाँ देखिए सेव ब्राउजर वाला ऑप्शन जो कि अनटिक होगा आपको इसको टिक कर देना है और उसके बाद एक यहाँ पर डोंट डू नॉट ट्रैक आपको इसको जो कि आपको ऑफ कर देना है जिससे आपको गूगल ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, आई होप आपको सेटिंग पसंद आई। कौन सी सेटिंग आपको ज़्यादा पसंद आई इसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।